तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी ने अपने दिन की शुरुआत मोडुचंतलापल्ली के मकीनों से मुलाकात कर की। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने वहां के लोगों को किन मसायल से गुजरना पड़ रहा है और वो किन हालात में जिंदगी बसर करते हैं, सबकियत हासिल की है। वादल है कि सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने मिर्चा जिले के मोडुचंतला में दो रोजा भूख हड़ताल का आगाज किया है, जिसका मकसद दलित और गिरिजन तबकात के मसायल को उजागर करना शामिल है। रेवंत रेड्डी ने हुक्मरान जमात को तनकीद का निशाना बनाते हुए यह इल्जाम आयद किया है कि केसीआर ने अपने टॉप के दगाओं को अमलन फरामोश कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम को आज भी कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ఏం పరిస్థితి ఎట్లా నడుస్తుంది సంసారం ఏమైనా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చిందా